लेक्चर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सितंबर 11 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसको करने से पहले जो है, जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, उसकी वीडियो एक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है डिटेल में, ताकि पूरे चैप्टर की समरी एक सामने आ जाए। तो उसी में जो है मैंने इन्वेंट्री लेवल्स को भी डिस्कस किया हुआ है, तो ये लाजमी देख लें क्योंकि इसमें डिटेल्ड डिस्कशन है। तो अभी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो इन्वेंट्री लेवल से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने यहाँ पे रखी है कि जब डिमांड एंड लीड टाइम आर सर्टेन होता है तो रीऑर्डर लेवल कैसे आता है, अगर अनसर्टेन होता है तो रीऑर्डर लेवल दो तरीके से आता है, वो किस तरह से आता है, फिर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल जिसको हम लोग सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक भी कहते हैं, देन मिनिमम इन्वेंट्री लेवल और फिर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में भी अगर सेफ्टी स्टॉक है तो वो किस तरह से आएगी, और अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो वो किस तरह से आएगा। तो ये सब जो है डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में डिस्कस है, इसमें सिर्फ अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि रॉबिन लिमिटेड इम्पोर्ट्स अ हाई वैल्यू कंपोनेंट फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द कंपोनेंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आरएल रिकॉर्ड्स फॉर द लास्ट 12 मंथ। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड दे दी है, मिनिमम डिमांड दे दी है, एवरेज डिमांड दे दी है, मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम दे दी है, मिनिमम लीड टाइम दे दी है, और रीऑर्डर क्वांटिटी दे दी है। तो यहाँ जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम एवरेज तीनों की डिमांड दी हुई है, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है लेकिन एवरेज लीड टाइम दिया हुआ, तो एवरेज कैसे निकलेगा निकाल लेते हैं। एवरेज लीड टाइम कैसे आएगा, 6 + 2 = 8, इस 8 को डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास एवरेज लीड टाइम आ गया 4। तो आगे देखते हैं, फिर हमसे रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल हमने फाइंड करना है, मतलब एवरेज इन्वेंट्री जो है ये हमसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री किस तरह से आएगी, OQ/2 + सेफ्टी स्टॉक। तो इसमें हमें ऑर्डर क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए, 2 तो पता है, और सेफ्टी स्टॉक पता होना चाहिए। तो ऑर्डर क्वांटिटी को पता करने के लिए हमें पता है कि क्वेश्चन में देखते हैं ऑर्डर क्वांटिटी कितनी दी हुई है, तो हमें री ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है 750 की। ठीक है, री ऑर्डर क्वांटिटी हमें जो दी हुई है वो है 750 की। ठीक है, और फिर अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें हमें ऑर्डर क्वांटिटी पता चल गई, 2 पता चल गया। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक नहीं पता ना अब हमें, ऑर्डर क्वांटिटी उसको मैं नीचे ले चलता हूँ, यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ लिखता हूँ कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे आती है, ओवर ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 + सेफ्टी। ठीक है, बस ये हमसे रिक्वायर्ड है। तो अब इसमें हमें एवरेज इन्वेंट्री तो फाइंड करना है। ठीक है, OQ पता चल गया, 2 पता चल गया, लेकिन सेफ्टी स्टॉक नहीं पता, तो हम चलते हैं सेफ्टी स्टॉक को फाइंड करने। तो सेफ्टी स्टॉक हमें पता है कि ये मिनिमम इन्वेंट्री लेवल सेफ्टी स्टॉक की सेम चीज है, इसको फाइंड करना है। क्या चीज होती है, इट इज द लोअर लिमिट बिलो विच द इन्वेंट्री बैलेंस शुड नॉट फॉल, अदरवाइज एंटिटी को जो है स्टॉक आउट फेस करना पड़ेगा। तो मिनिमम इन्वेंट्री कैसे आएगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। तो यहाँ पे हमें एवरेज डिमांड और एवरेज लीड टाइम तो पता ही है, दिए हमें एवरेज डिमांड दी भी, एवरेज लीड टाइम भी हमने 4 फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी हमें आरओएल नहीं पता। ठीक है, रीऑर्डर लेवल नहीं पता, तो फिर हम और ऊपर चले, हमने कहा कि रीऑर्डर लेवल फाइंड करने के लिए हमें पता है कि मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम आते, क्योंकि अनसर्टेन है ना, खाली एक ही डिमांड और एक ही लीड टाइम दी भी होती तो हम ये यूज कर लेते, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी है तो हमें पता है आरओएल कैसे आएगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो इसको निकालते हैं, आरओएल कैसे आएगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम से। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है हमारे पास, मैक्सिमम यूजेज जो कि डिमांड हमारे पास कितनी है, 300 की। ठीक है, और मैक्सिमम लीड टाइम जो हमारे पास है वो है 6 मंथ्स का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आर ओ एल फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, आर ओ एल इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम लीड टाइम से हमारे पास 1800 का आर ओ एल आ गया। तो
अब हम नीचे आए सेफ्टी स्टॉक में। हमने बोला अब क्वेश्चन में भी ऐसे करना कि सारे फॉर्मूलाज आपने लिख लेने हैं, जब एक भी चीज मांगी भी होगी तो जाहिर सी बात है उसको फिर हमें वर्क पैक करना पड़ेगा, चीजें निकालनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक नहीं पता था तो हम यहाँ आए सेफ्टी स्टॉक को फाइंड करने, सेफ्टी स्टॉक में हमें आर ओ एल नहीं पता था तो हम आर ओ एल को फाइंड कर लिया। अब अगर मैं यहाँ रखूँ हमें आर ओ एल मिल गया, ये मैं इधर रखता हूँ जो फाइंड करूँ, ठीक है आर ओ एल मिल गया हमें 1800 का, ठीक है इसको मल्टी इसको माइनस करना है इसमें से एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज डिमांड 225, लीड टाइम 4, 225 लीड टाइम 4, ठीक है तो 1800 में से माइनस करना है 221, तो 1579 आ गया। कैसे, आर ओ एल में से माइनस करना था एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम, तो मेरे पास मिनिमम इन्वेंट्री जो कि सेफ्टी स्टॉक होती है वो भी आ गई। तो बस ओ क्यू पता है 750 डिवाइड बाई टू, ठीक है ओ क्यू डिवाइड बाय टू में प्लस करना है क्या सेफ्टी स्टॉक जो कि हमने यहाँ 1579 का फाइंड किया, तो 1954 आ गए। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। तो ये कैसे आई दोबारा से हम देखते हैं, हमें पहले सेफ्टी स्टॉक फाइंड करना था, तो सेफ्टी स्टॉक के लिए हम जब सेफ्टी स्टॉक फाइंड करने गए तो री ऑर्डर लेवल भी फाइंड करना पड़ गया। री ऑर्डर लेवल फाइंड किया फिर एवरेज डिमांड को मल्टीप्लाई कराया एवरेज लीड टाइम को, री ऑर्डर लेवल को से माइनस कराने हमने एवरेज डिमांड को इंटू, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है ये हमने माइनस कराया, ये हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये 900 आ गए। फिर 1800 में से जब 900 माइनस कराया, क्यों आर ओ एल में से जब एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम माइनस कराया तो क्या आ गई अमाउंट 900 की। फिर इस 900 को यूज करते हुए हमने ओ क्यू डिवाइड बाई टू में प्लस करा दिया सेफ्टी स्टॉक। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।